अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया, किचन क्राफ्ट में खुश आमदीद। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बाउल लेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक चिकन है, पूरा चिकन है, इसे हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम जो हमारे पास लेग पीस हैं इसको हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक डालेंगे। लेमन डाल देंगे। लेमन 2 टेबल स्पून है। अब 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, फिर हम बाकी के मसाले डालेंगे। अच्छा, यहाँ हमारे पास ज़र्दा रंग है, ये मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा। एक कप दही है, ये डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं मेरे पास, ये इसमें डालेंगे। ये 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। अच्छा, गरम मसाले में मैंने 3 सफ़ेद इलायची भी डाली हुई है, वो भी पीस ली है इसके साथ ही। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है और 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, ये सब इसमें डाल देंगे। बस इसे अब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चलें, ये मिक्स हो गया है, मैं इसे अब 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। तो मिलते हैं 20 मिनट बाद। अच्छा, हमारे 20 मिनट हो गए हैं चिकन को रखे हुए। तो अब हम अपने इस चिकन को इस तरह चिमटे के साथ उठा के पैन में डालेंगे। अच्छा जी, चिकन हमने सारा इसमें डाल दिया है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करके 15 मिनट पकाएंगे। और ये जो हम मसाला हमारा बचा है, इसे हम दूसरे पैन में डालेंगे। ये मसाला मैं ये पैन में डाल दूंगी। यहाँ पे 2 टमाटर हैं मेरे पास कटे हुए, ये इसके साथ में डाल दूंगी। और इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। बस इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे कि हमारा ये मसाला तैयार हो जाए। अच्छा, यहाँ टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब मैं इसमें 3 हरी मिर्चें डालूंगी, ये बीच में से मैंने कट लगा लिया है। यहाँ पे 2 प्याज मेरे पास फ्राई किए हुए हैं, इन्हें मोटा मोटा मैंने कूट लिया है, ये डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 7-8 सूखे हुए आलू बुखारे हैं, ये डाल देंगे इसमें। बस 4-5 मिनट से पकाएंगे और फिर इसके बाद ये हमारा मसाला फाइनल हो जाएगा। मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसका चूल्हा मैं ऑफ़ कर रही हूँ। तो बस 10 मिनट में हमारे टिक्के भी तैयार हो जाएंगे। फिर आपसे मिलते हैं 10 मिनट में। अच्छा, यहाँ मेरे पास 4 कॉल है, इसे मैं रख दूँगी चूल्हे पे जब तक हमारे टिक्के तैयार होते हैं, तो ये भी हमारा रेडी हो जाए। तो अपने टिक्के देखते हैं। ये हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो गए। बस इसको अब हम थोड़ा सा कलर देंगे। अच्छा, यहाँ मैं चिकन में 1 टेबल स्पून ऑयल और डालूँगी। बस अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर देंगे। आप अगर चाहें तो इस पॉइंट पे इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, ओवन में रख के इसको हल्का सा कलर दे दें ऊपर, लेकिन मैं इसी में ही करूँगी, पैन में ही करूँगी मैं। बस थोड़ी
देर के लिए एक साइड से इसको छोड़ेंगे। चलें, एक मिनट हो गया है, अब इसकी साइड चेंज करते हैं। अब दूसरी साइड से इसको थोड़ा सा कलर देंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह के मार्क आ गए हैं जैसे हमने ग्रिल किया है। बस एक मिनट हम इस साइड से इसको कलर देंगे। बस फिर ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पे हम फॉइल लेते हैं और एक मिनट के लिए चिकन को कोयले का धुआं लगा देंगे, इससे तिक्के वाला फ्लेवर आ जाएगा चिकन में। चलें, बस एक मिनट हो गया है, अब हम बस इसे निकाल लेंगे कोयले को और ये फॉइल पेपर को भी। यहाँ पे जो हमने अपना मसाला तैयार किया था टमाटर वारा वाला, तो अब ये मैं इन तिक्कों के ऊपर डाल दूँगी। हमारे तिक्के और बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार है। बस अब हम अपने राइस तैयार करेंगे। बॉईल करने के लिए रखेंगे राइस, इसको हम साइड पे करते हैं और अपने राइस को बॉईल करते हैं। यहाँ हमने एक पैन में पानी ले लिया है, हमने तकरीबन ये दो जग मैंने पानी लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून नमक डालूंगी। ये 2 मेरे पास छोटे बे लीफ हैं, ये डाल दूंगी, और ये 3-4 मेरे पास बादियान के फूल हैं, ये डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 कप चावल हैं, इसे मैंने धो लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ये देखें हमारे चावल तकरीबन 60% बॉईल हो गए हैं। इसमें अभी 2-3 कनी है, तो बस अब हम इसका दम लगाना शुरू करेंगे। इसके चूल्हे को आहिस्ता कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक डेगची और ले ली है जिसमें अब हम अपने चावलों को दम लगाएंगे। तो ये जो तिक्का हमने तैयार किया था, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये डालूँगी नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर चावल डाल देंगे, इसके ऊपर फिर तिक्का डालेंगे। बस इस तरह हमने 3-4 तह लगा लेनी है, फिर चावल डाल देंगे। चावल वाला चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है, तिक्का डाल देंगे इसके ऊपर। ये बाकी के सारे चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम केवड़ा एसेंस डालेंगे 3-4 ड्रॉप, कटे हुए लेमन डाल देंगे, और ये मेरे पास जर्दा रंग है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो इसे पानी में घोल लें या ऐसे डाल दें। बस अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो चलें फिर मिलते हैं 15 मिनट में। चलें, 15 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं अपनी बिरयानी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें इसे डिश में निकालते हैं। लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार टिक्का बिरयानी तैयार है। इसे बनाएं और एंजॉय करें।